हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त संजीत कोटर। सी प्लस प्लस लैंग्वेज सीखने की सीरीज में आज हम देखेंगे कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। देखिए, पॉलीमॉर्फिज्म उस कॉन्सेप्ट का एक पार्ट है कि बेसिकली दो वर्ड का कॉम्बिनेशन है, पॉली प्लस मॉर्फ्स। पॉली का मतलब होता है मेनी एंड मॉर्फ्स का मतलब होता है फॉर्म्स। तो बेसिकली पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब हो गया मेनी फॉर्म्स, मतलब एक आपका मेथड रहेगा उसके नंबर ऑफ फॉर्म्स रहेंगे। एग्जाम्पल के लिए सपोज आपके पास एक सम नाम का मेथड है, ये दो आर्गुमेंट ले रहा है। इसी तरह हो सकता है कि एक और सम नाम का फंक्शन हो सेम क्लास में और वो तीन आर्गुमेंट ले रहा हो, तो यही हो जाता है आपका पॉलीमॉर्फिज्म कि एक ही फंक्शन के अलग अलग फॉर्म होते हैं। तो ये बेसिकली दो तरह का होता है, एक है आपका कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और एक है आपका रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। तो जो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होता है, इसी को आप अर्ली बाइंडिंग भी बोलते हो और इसी को आप स्टेटिक बाइंडिंग भी बोलते हो। तो ये बेसिकली कंपाइल टाइम पे डिसाइड होता है कि कौन से मेथड को कॉल करना है। तो ये काम बेसिकली कंपाइलर का होता है कि हमें कौन से मेथड को कॉल करवाना है, तो उसके अनुसार वो रन टाइम पे सेम फंक्शन को मेमोरी एलोकेट करता है। तो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म बेसिकली दो तरह का होता है, एक होता है मेथड ओवरलोडिंग और एक होता है ऑपरेटर ओवरलोडिंग। तो मेथड ओवरलोडिंग में आपका यही हो गया जिसमें आपका एक ही नाम का फंक्शन रहेगा और उसके अलग अलग आर्गुमेंट होंगे। लेकिन ऑपरेटर ओवरलोडिंग में क्या होता है कि आप एक ऑपरेटर को रीडिफाइन कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल के लिए सपोज आपने ऑपरेटर्स पढ़ रखा है, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, कंडीशन ऑपरेटर, तो उसको आप रीडिफाइन कर सकते हो। तो रीडिफाइन करने के लिए बेसिकली आप फंक्शन का हेल्प लोगे, और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जब भी आप एक फंक्शन बनाते हो तो या तो वो अल्फाबेटिकल से स्टार्ट होना चाहिए, तो अल्फाबेटिकल में लोअर केस हो सकता है, अपर केस हो सकता है, और मैंने आपको ये बताया था कि वो नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता है ना ही किसी ऑपरेटर से स्टार्ट हो सकता है। लेकिन ऑपरेटर ओवरलोडिंग के केस में आप यहां पे सिंबल का यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कि यदि आप चाहते हो कि प्लस प्लस ऑपरेटर का यूज करें तो वो पॉसिबल है आपके ऑपरेटर ओवरलोडिंग के केस में। तो इसी केस में आप ऑपरेटर का हेल्प लोगे और अपने अनुसार से ऑपरेटर को रीडिफाइन करके आप प्रोग्राम को हैंडल कर सकते हो। तो वो हम एग्जाम्पल से देखेंगे, वो हमें और क्लियर होगा। तो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म जो है वो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के कंपेयर में हल्का फास्ट होता है, क्योंकि इसमें कंपाइल टाइम पे ही डिसाइड हो जाता है कि हमें कौन से फंक्शन को कॉल करवाना है। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को ही आप लेट बाइंडिंग बोलते हो और साथ ही में डायनामिक बाइंडिंग बोलते हो। तो ये बेसिकली रन टाइम पे डिसाइड होता है कि कौन से फंक्शन को कॉल करवाना है। तो इसमें आप जो पढ़ते हो वो है आपका मेथड ओवरराइडिंग, और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में ही आप एक कॉन्सेप्ट लाते हो वर्चुअल फंक्शन, तो वो भी हम देखने वाले हैं। सपोज आपके पास एक पेरेंट क्लास है फादर और एक चाइल्ड क्लास है जिसका नेम है चाइल्ड। फादर का जो बिहेवियर है वो है ईट का और वॉक का, और चाइल्ड का जो बिहेवियर है वो है ईट का। तो चाइल्ड क्लास जो है फादर क्लास को इनहेरिट किया हुआ है। तो सपोज फादर के बिहेवियर जो ईट है उसमें वो राइस ईट करता है, और चाइल्ड का जो बिहेवियर है ईट का तो उसमें वो ब्रेड ईट करता है। तो यदि आप चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे और इस ईट को एक्सेस करना चाहोगे तो कंपाइलर को कैसे पता चलेगा कि हमें चाइल्ड वाले ईट को कॉल करवाना है या फिर फादर वाले ईट को कॉल करवाना है, क्योंकि फादर का जो बिहेवियर है वो ईटिंग राइस का और चाइल्ड का जो बिहेवियर है वह ईटिंग ब्रेड का। तो इस केस में ही आपका मेथड ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट आता है जिसमें से एक क्लास दूसरे क्लास के मेथड को ओवरराइड कर लेता है। लेकिन आप चाहते हो कि मुझे फादर वाले क्लास का ही ईट चाहिए तो उस केस में भी आप हैंडल कर सकते हो, तो वो भी हम एग्जांपल से समझेंगे। तो ये फिलहाल आपका पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट। तो आने वाले वीडियोज में हम सभी कॉन्सेप्ट को एग्जाम्पल से समझेंगे। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी होगी तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना
ताकि जैसे ही मैं एक नया वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।